नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपने परिवार के साथ बूथ संख्या 219 उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदन क्यारी बाजार में जाकर मतदान किया और चंदन क्यारी विधानसभा भोजडी बूथ का जायजा लिया। इस दौरान अमर बावरी ने लोकतंत्र की महापर्व में भी सभी को वोट देने की अपील की। कहा कि इस बार झारखंड के लोग माटी बेटी रोटी के लिए कर रहे हैं, झारखंड में एक अच्छी सरकार के लिए आम जनता वोट करेगी। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व और झारखंड के विधानसभा के आम विधानसभा के चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण का मतदान आज प्रारंभ है। आधा समय से ज्यादा हो गया है और पूरे झारखंड प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर है। माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए झारखंड की जनता ने मतदान करने का मन बनाया है। मैंने तो कर दिया है, अगर आपने नहीं किया है तो अविलंब मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में एक नागरिक के रूप में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका निर्माण करें। एक सरकार जो आपको आने वाले 5 साल में आपकी माटी बेटी रोटी की सुरक्षा की गारंटी देगी और इस झारखंड प्रदेश को विकास के सतत प्रक्रिया में और उसमें लेकर के आगे बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई और अपना मतदान जरूर करें। आप बूथ में घूम रहे हैं तो क्या कुछ देखने को मिला, क्या कहीं गड़बड़ियां दिख रही हैं या फिर? कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, विरोधी हार मान चुके हैं, उनकी मायूसी उनके चेहरों से और उनके एजेंटों और उनका जो बस्तर लगा हुआ वहाँ से दिख रहा है। एक तरफा माहौल है पूरे झारखंड प्रदेश में। पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार बनेगी, झारखंड की स्थापना के 25वें साल होने जा रहा है, झारखंड आगे बढ़ चुका है और झारखंड विकास के सतत प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और लगातार बनाया है हम लोगों ने, झारखंड को संवारने का भी काम हम ही लोग करेंगे।